अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। न्यूज अपडेट्स भी आपको देंगे, आपको बताएंगे आशा गुलाले इस वक्त खिताब कर रही हैं। और दूसरी बात, वाडा के अंदर जो इनलीगल कुंडे लगे हुए हैं उसको मीडिया खुद जाकर देखे कि वाडा खुद चोर है। यहाँ पर एक खातून घरों में काम करती है, वाडा का एक एसडीओ इनलीगल कुंडे के ऊपर खुद लोगों को कहता है कि कुंडा लगाओ और 1000 रुपए मुझे पहुंचाओ। मीटर नहीं लगाए जा रहे, जान बूझ कर मीटर लोगों को नहीं दिए जा रहे। यहाँ हमारे एक एमएनए, ये आपके पास वीडियो प्रूफ है, ये कौन सा इलाका, ये अरबाब आसिम का गांव है, वो है, उसमें एक एसडीओ है, उसने लोगों को कहा ये उस एसडीओ के इजाजत से, उसको रिश्वत से ये कुंडे लगे हुए हैं। 1000 रुपए पर इलीगल कनेक्शन वो एसडीओ वापडा का लेता है, कुंडे लगे हुए हैं। 1000 रुपए पर इलीगल कनेक्शन वो एसडीओ वापडा का लेता है, आवाम को मीटर्स नहीं दिए जा रहे। हमारे एक देखिए, ये एहतजाज वापडा के खिलाफ एहतजाज की कॉल मैंने दी थी और मैंने 12 मई को जुमे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को कॉल दी थी कि आप सब ने वापडा की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ 17 मई यानी आज बुध के दिन 9 बजे निकलना है। और मैं अपने आवाम का भरपूर शुक्रिया अदा करती हूँ, दिली शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग अपनी बहन अपनी बेटी की कॉल पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना हक लेने आए। मैंने मेरे भाई ये गवाह है, मैं गांव-गांव मैंने कैंपेनिंग की है, मैं गांव-गांव अपने मशवरान से मिली हूँ, लोगों के मसाइल मैंने सुने हैं। वहां पे लोगों जिस अजाब में मुब्तला है वो उसके लिए कदम मैंने उठाया, मैंने उसके लिए, क्योंकि लोगों ने कहा कि 18-18, 20-20 घंटे अजाब में मुब्तला है। उसके बाद मैंने इस कदम का ऐलान किया कि हमने वापडा की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करना है। तो मेरा बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ अपने आवाम का कि अपनी बहन बेटी की कॉल पर आए। और ये आपका हक है, एमएनए एमपीए का मसला ये नहीं है, ये गरीब आवाम का मसला है। गरीब आवाम खुद अपने हक के लिए अगर गैरत नहीं करेगी तो फिर कोई आपके लिए आगे नहीं आएगा। यहाँ पे एक खातून है जो घरों में काम करती है, 10,000 रुपए उसको महीना मिलता है, उसका 53,000 बिल आया है एक महीने का। ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। मैं नारे लगाऊंगी, आप इसका जवाब दें। लोड शेडिंग, टेस्को का जुलम, वापडा का जुलम, गो नवाज। मैं एक खातून को आपके सामने ला रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आयशा गुलालई इस वक्त खिताब कर रही हैं, कारकुन उनके दरमियान हैं और उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और अब उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो बाहर निकली एहतजाज के लिए। लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हैं जिनके पीछे लाखों का बिल है, क्या इस अग्रीमेंट में उसका जिक्र है? जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, 18 से जो 20 घंटे की लोड शेडिंग है वो जीरो पे नहीं आ जाती, जब तक ओवर बिलिंग का मसला हल नहीं होता, जब तक खराब ट्रांसफार्मर्स ठीक नहीं होते, वापडा के पास फंड है, वापडा उसको चोरी कर लेता है उस फंड को और आवाम को कहती है कि आप जो है वो अपना फंड चंदा जमा करें। ये खातून मैं आप खातून आपके सामने बात करें, आयशा गुलालई खिताब कर रही थी कारकुनों के दरमियान, उनके जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया और वापडा के ऊपर पेस्को हुकाम के ऊपर कड़ी तनकीद की गई। उनका यह कहना था कि तमाम तर मामलात को देखा जाए।